फरवरी माह की पहली तारीख को कैंप 2 भिलाई श्याम नगर में हुए हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताई जा रही है। छावनी थाना अंतर्गत 1 फरवरी को हुए हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि राकेश यादव और बेनू साहू के मध्य का न्यायिक मामला दुर्ग न्यायालय में पहले से विचाराधीन है और हाल ही में राकेश यादव बेल पर बाहर आया हुआ था। वहीं 1 फरवरी को बेनू साहू और राकेश यादव के मध्य फिर से वाद विवाद हुआ, जिसके बाद बेनू साहू ने 5 सहयोगियों के साथ मिलकर राकेश यादव को मौत के घाट ही उतार डाला। इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। ये छावनी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर परसों रात्रि शाम को 7 बजे मृतक राकेश यादव को कुछ लोगों ने उनके निवास के पास ही धारदार हथियार और डंडे से वार करते हुए हत्या कर दी थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छावनी थाना में IPC की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और हम लोगों ने CSP छावनी और TI छावनी के नेतृत्व में 2 टीम बनाकर इसमें आगे टीम लगाया था। टोटल 6 लोगों को चिन्हांकित किया गया और इनको फरार थे, इनको भी टीम ने पकड़ लिया है। 2 आरोपी मानपुर मोहला के जंगलों में छिपे हुए थे, उनको भी पकड़ लिया है, बाकी लोगों को भी पकड़ लिया। इनके बीच 2020 से वाद विवाद की स्थिति थी। उस समय जो मृतक है वो कुछ मारपीट किया था, जिस पर से 3-7 का वो आरोपी बना था, जेल से छूटा हुआ था अभी। और जेल से छूटने के बाद भी दोनों परिवारों के मध्य आपसी रमनस चल रहा था, लेकिन बड़ी घटना कारित नहीं हुई थी, ना ही थाना में उन्होंने रिपोर्ट लिखाया था। कल अचानक से ये बात, परसों अचानक ये बात पड़ी। जी हाँ, इसमें वहाँ पर CCTV का भी हमको सपोर्ट नहीं मिला, साथ में आरोपियों ने मोबाइल भी बंद कर रखा था, लोकेशन हमको क्लियर नहीं था, लेकिन जो परंपरागत तरीके होते हैं मजदूरी से, उससे हम लोगों ने इसको डिटेक्ट किया। हत्या करने का मकसद तो उनके पास नहीं था, लेकिन तात्कालिक रूप से छड़ी की स्थिति निर्मित हुई, दोनों पक्ष वाद विवाद हुए, उसके बाद हुआ। मृतक के पास भी एक चाकू था जिसको छीनकर आरोपियों ने उससे मारा।